स्वागत है बच्चों YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी जो 2400 घंटे आपकी चिंता में आपकी सेवा में लगातार वर्षों से लगा हुआ है। मेरी अपील है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर इसके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आज हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए इसमें है प्रश्न नंबर 18वां, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC इज नॉट इक्वल टू BD हो तो चतुर्भुज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत या वृत्त। ठीक, देखिए बच्चों इसमें केवल चतुर्भुज का नाम लिखा गया है, चित्र नहीं बताया गया है। अब आपकी की उलझन होगी कि सर ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि शर्त क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं कैसी हैं, कैसी हैं, बराबर बोलिए, चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये तो AB बराबर लिखा है, BC बराबर लिखा है, CD बराबर लिखा है, लेकिन AC क्या है, ये AC क्या कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है, और BD क्या कहलाता है, ये भी दोनों, ये दो भी विकर्ण है, तो ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, समझा आपने। तो इसलिए ये जो आकृति बनेगी ये आकृति है कहलाती है समचतुर्भुज की आकृति बनेगी। तो इसका इससे जो चतुर्भुज बनेगा ABCD कैसा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, जिसमें चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। देखिए बच्चों 19 नंबर का प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर BC है तथा AD BC के समांतर नहीं है तो उस चतुर्भुज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन है आयत, तीसरा वर्ग है और चौथा है समलंब चतुर्भुज। देखिए बच्चों सवाल आपको बता दिया मैंने, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है तथा AD और BC बराबर नहीं है। देखिए AB और DC, ये AB ये है और DC ये दोनों समानांतर है, ये शर्त पूरी हो गई। लेकिन AD और BC, देखिए AD और BC समांतर नहीं है, दिख रहा है आपको समांतर नहीं है, तो इसलिए ये आकृति देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये आकृति है समलंब चतुर्भुज। ये आकृति क्या है, ये है समलंब चतुर्भुज है।